नितिन जी ने काम किया है बहनों भाइयों, वह करिश्माई है। भारत के इतिहास में सड़क निर्माण का जो इतिहास है उसके पन्नों को पलटकर आप देखें तो आप देखेंगे प्रतिवर्ष सड़कों का जो निर्माण होता था 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। लेकिन यह चौंकाने वाली बात है, भारत ही नहीं दुनिया के किसी देश में आपको नहीं देखने को मिलेगा। आज भारत में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के गतिशील व्यक्तित्व और उनकी काल्पनिक क्षमता का यह परिणाम है कि प्रतिदिन 30 से लेकर 40 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इस हिंदुस्तान में बहनों भाइयों हो रहा है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है बल्कि मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। पिछले एक महीने से आप देख रहे होंगे हर दूसरे दिन माननीय गडकरी जी का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपद में लग रहा है और जिस भी जनपद में वे जाते हैं वहां पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हैं और साथ साथ अगर कहीं कोई बात रह गई है तो उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का आदेश वहां पर जारी करते हैं। मेरी एक एक बात तुम्हारे पास रिकॉर्ड कर लो और एक भी बात पूरी नहीं हुई तो बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज लगा दो, मैं जो कहूंगा वो निश्चित रूप से करके दिखाऊंगा। मैंने वो शब्द यूज किया था डंके की चोट पर, कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। मेरे साथ कहिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज मुझे खुशी हो रही है कि प्रभु रामचंद्र जी के एक सेवक के रूप में हमें अवसर मिला आपकी सेवा करने का और आज जिस मार्ग की मैं घोषणा कर रहा हूं, जिस काम का शुरुआत हो रही है वो राम जानकी मार्ग परियोजना 2000 करोड़ रुपए खर्च करके 436 किलोमीटर टू लेन पेव शोल्डर और कुछ जगह फोर लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। आज मैंने योगी जी को कहा कि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का उपयोग इलेक्ट्रोलाइजर से ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा और उस पर गाड़ियां चलेगी, कार चलेगी, ट्रक चलेगी, रेलवे चलेगी, स्टील सीमेंट फैक्ट्री चलेगी। हेलीकॉप्टर में केशव जी से बात की कि इसका प्रोजेक्ट प्रयागराज में डालने के लिए मैं आपको पूरी मदद करूंगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट अगर आएगा तो प्रयागराज के युवा लोगों के हाथों को काम।